ये ढोलक बजा रही है और ये ढिंटा ढिंटा टा ढिंटा रोटियां मंगवा करके चलो गाइस चलते हैं। सो हेलो गाइस, आप यू कैसे, आप सब वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस अभी जिम से उतरा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, घर पे जाके पता चलेगा क्योंकि बानू का फोन आया था, कभी कचौड़ी ले आई हो, अब वो कचौड़ी पैक कराते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो अब कचौड़ी वाले की दुकान पे जाके मिलते हैं। मैं कचौड़ी वाले भैया पे आ चुका हूँ, यहाँ से कचौड़ी कराएंगे पैक और उसको जाके घर पे। आज मेरा पुराना दोस्त मिला, इसका नाम वीरू है, वीरू मेरा भाई है। कह रहा तू कितना भारी हो गया, यही बोला था ना भाई। ये भाई बिल्कुल दोस्त है, कह रहा कैसा हो गया, ऐसे बोलते हैं किसी को तू है इस लायक वाले। तो गाइस देखो सुबह सुबह इन्होंने कई करोड़ों का धंधा कर लिया है, देखो कितनी भीड़ लग के यहाँ पर खा रहे हैं। अब चलो पैक कराएंगे, ये देखो ये कचौड़ी हमारी चल रही है। तो गाइस यहाँ पर घर पे आते ही देखा कचौड़ी मैंने वहां रख दी और यहाँ पर ये ढोलक बजा रही है और ये ढिंटा ढिंटा टा ढिंटा ढिंटा टा कर रहा है। ये देखो देख रहे हो इन दोनों को, और बढ़िया बजा रही है, एक रुपया नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देखो बाहर चीकू खा रहा है खाना और यहाँ पर हो रहा है घर फैला, यहाँ पर कचौड़ी रख रही है। यहाँ पर भानु बर्तन मांज रही है और भानु आज क्या है हमारे घर पे, आज है खाटू श्याम जी की कथा। कन्हैया मित्तल आया गाइस आज हमारे घर, सत्यनारायण की कथा है दोस्तों आज हमारे घर पे। और ये देखो ये सब यहाँ पर ये सब लड़की पटाता है ये मेरे पे आने के लिए। अबे भाई मेरे को कुछ करने भी दे यार, तो गाइस यहाँ पर अंकल आ गए हैं गुब्बारे वाले, हर तरीके का गुब्बारा अंकल पे। अंकल पीपनी बजा के दिखाओ एक बार आप। तो गाइस अंकल से सस्ती चादर ले लो, ठीक है अंकल सस्ती चादर बेचते हैं। गाइस अभी आए थे आटा लेने हम यहाँ पर, देखो ये देख रहे हो दुकान, यहाँ से लेने आए हम आटा। ये रही इनकी चक्की और ये इनके सामने दुकान। तो गाइस ये भैया है जो मेरा आटा पैक कर रहे हैं। कितना आटा पैक कर लेते हो दिन में, कितना आप बताओ कितना करोगे, और साफ साफ बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ जितना करवा वो उतना कर दूंगा। एक मिनट में कितना आटा पैक कर दूंगा, एक मिनट? हाँ एक मिनट को चक्की जितना निकाली उतना ही, तो एक मिनट में चालू भी नहीं हो पाएगी। तो आप शर्त हार गए, क्यों पिसा हुआ नहीं था आटा, पिसा हुआ आटा तो मैं तो क्या कह दूंगा, मैं एक मिनट में जितने का बोरा होगा उतना पैक हो जाएगा, पर गाठी तो मारनी है। तो गेहूँ कैसा होता है आपका यहाँ पर चक्की में, आप जो मेरे को दे रहे हो वो कैसा गेहूँ है? नहीं एमपी दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के हैं, जो अदर चक्की वाले बेच रहे हैं वो अलग अलग बेच रहे हैं, कोई 55 का बेच रहा है, कोई 40 का बेच रहा है, कोई 46 का बेच रहा है। अच्छा आज देखो ये आटा भैया पैक कर रहा है, पता नहीं कैसा आज एमपी है, पता नहीं झूठ तो नहीं बोल के बेचते एमपी। हाँ एक जैसे रोटी मुंह में क्या है। तो गाइस यहाँ की चक्की की यूनियन जहांगीर पूरी पिसाई रेट है, गेहूँ 5 रुपए, चना 10 रुपए, मक्का बाकी पढ़ लो आप। आ जाओ आ जाओ भाई, आओ आओ भाई जल्दी आओ, भाई जल्दी आ जाओ आओ। तो गाइस अभी हम लोग ना रिक्शे में बैठ गए, अब जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके क्या करेंगे भाई, हम मैं कह रहा हूँ घर पे जाके क्या करेंगे, हम सही कह रहे हैं भाई, आगे मैगी बनाएंगे। हाँ पनीर की भुजिया बनाएंगे। हाँ ठीक है, और बढ़िया से रोटियां मंगवा करके चलो भाई चलते हैं। सुबह जब भी हमारे ना यहाँ पर भगवत कथा चालू हो गई है, ओ सॉरी सत्यनारायण कथा, ये देखो सब आ गए।
हरिओं बाकी बंद रहा है रो रहा था देख ले ना बच गया। अरे तू भी बड़ा राजा बेटा है ना, बहुत अच्छा है। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जितने रूप है आपके हम आपको सभी रूपों में नमस्कार। श्यामा श्याम किशोरी की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान करके खा लेगा कमा लेगा बच्चों को पालन पोषण कर लेगा मकानी बना लेगा सब कुछ बना लेगा। मेहनत में मजदूरी में क्या होता है वृद्धि होती है। और दूसरा नंबर है माया, तीसरा नंबर है छुपातर नारी पत्नी कैसी हो या स्वस्थ सासुतर की सेवा करने वाली पति की आज्ञा का पालन करने वाली हो। चौथा सुख पुत्र कैसा हो, पुत्र भी अपने पिता का आज्ञाकारी हो। लेकिन ये चारों सुख हर एक को नहीं मिल पाते, हजारों में से कोई एक आधी व्यक्ति होगा जिनको चारों सुखों से संपन्न होगा। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई बेटा से दुखी परिस्थिति। तो नीचे ना कथा चल रही है, ऊपर आके बैठ गई है क्या और गिन्नी का बहाना ले रही है कि गिन्नी के चक्कर में जा रही। अगर तू सच्ची है ना तो हंसी हो मत इस बात पे। गुल्लू 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 वेदर ने मेरा तो टीका गिरा दिया ने मेरा पूरा टीका गिरा दिया ने दोस्तों मेरा तो टीशर्ट पे टीका आज मार दिया थैंक यू टीके दादी। तो गाइस अब सत्यनारायण कथा पंडित जी ने खत्म करी है, सुबह 6 बजे चालू करी थी। अब हम चालू सुबह 6 बजे। तो गाइस अभी देखो पंडित जी बता रहे हैं कि मैं 7-7 घंटे आपके आगे बैठा रहता हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं होता है। ओम गौरी सोत मात्र का अभियान ने स्वाहा। ओम श्री चते लक्ष्मी चे प्रसन्या बहुरात्रे बापसे नक्षत्राणी सर्व लोक मोक्षा नाम व्याप्तम करा जय माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी नमे। तो भाई हर जगह देखो हवन का धुआं धुआं हो गया है और यहाँ पर सब खड़े हो गए भारती के लिए। ये चला गया बाहर पंडित जी ने 10 बजा लिया गाइस, इनकी कंप्लेंट होनी चाहिए। तो भाई ये नारियल रखा जाता है ताकि आप पे कुछ भी दुख संकट है वो कट सके और भगवान आपके पास पैसा दे दे फटाफट। तो गाइस अभी अंदर सत्यनारायण जी की कथा तो खत्म हो गई, अब खाटू श्याम जी की आरती चालू हुई है। इसके तो गाइस यहाँ पर सत्यनारायण कथा जी का चिन्ना मिर्च का प्रसाद ये सब खा रहे हैं देखो। तो गाइस देखो यहाँ से सारा सप्लाई जा रहा है मार्केट तक चिन्ना मिर्च का। पंडित जी आप शॉर्ट में कथा क्यों नहीं सुनाते हो? आज मेरी आपसे मन की इच्छा पूछना चाहता हूँ, आप क्यों इतना लोगों को परेशान कर लेते हो बताओ।
भैया मेरे पास इतनी शॉर्ट में होती नहीं है। आपको मुंह जवानी याद है सारी, वैसे लोग किताब में से देख के सुनाते हैं। मेरे पे मुंह क्या कहते हैं वो सूक्ष्म में नहीं होती। कहाँ से काटूं, कहाँ से शॉर्ट करूं, मेरी जब पूरी रटन पूरी रटन देखना क्या करूँ, कहाँ से करूँ, जो आएगी मैं काट ही नहीं सकता। किसी को भी भगवत का कोई भी कथा करानी हो हमारे पंडित जी से कांटेक्ट कर लेना, दुर्गा मंदिर में बैठते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी सब्जी लेने, क्योंकि आलू की सब्जी मैं खाता नहीं हूँ, बस वही लेने जा रहा हूँ, तो सब्जी लेके आएंगे फिर खाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अब जो भी पंडित जी को हमारी तरफ से भेंट है वो पंडित जी लेंगे और हमारे पूरे घर को आशीर्वाद देके फिर हम पंडित जी को विदा करेंगे। फिर अब हमारे को पता चला अगर कथा रखवानी है तो हिसाब से रखवाएंगे समिति। गले मिल लो एक दूसरे के दोनों। वाइस भानु जा रही है, गिन्नी भी जा रही है, जा रही है, स्विफ्ट रुक नहीं रही है। ध्यान दे भानु, मत जा भानु, मत जा भानु, भानु मत जा, आज तेरे को रोकने वाले भी अगर रोकने वाले भी नहीं होंगे। ये भी रो रहा देख लो, तो गाइस मैं अंदर से बाहर आ गया निकल के, मगर ये नहीं रुक पा रही है गरिमत ने कम, ये मेरे पे आने ही कह रहा है। भानु रुक जाना, भानु भानु देखो, भानु दीदी जा रही है घर पे, तो देखो जीजी रो रहे हैं। हम उसे चेक करने वैसे चेक करते, मैंने देखा भाग रही है पकड़ के लाई। देखो पे तो हो रहा है, देखो अरे जाते हो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। देखो मेरा सोडा आ गया, इस बोतल में डलेगा सोडा और मैं इसको पी के हो जाऊंगा डोडा। ये देखो, ये देखी टेस्ट जो ठंडर, मजा आ रहा है। एक पांच जेठालाल से इंस्पायर हूँ मैं, मसाला सोडा पीने उसी का देख के जाता हूँ। तो गाइस हम ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, चैनल को लाइक। हमारा लास्ट है, बच गए 11:30।